आज हम मसाले से भरी हुई भिंडियाँ बना रहे हैं। ये देखें, ये तकरीबन आधा किलो भिंडियाँ हैं। इनको मैंने धो के ये टी टॉवल पे इस पर मैंने ड्राई कर दिया कम्प्लीटली। ये दो मीडियम साइज़ के ऑनियन मैंने स्लाइस कर लिए, थोड़ी सी ये फ्रेश धनिया काट लिया मैंने, और ये चार सब्ज़ मिर्चें हैं। जो मसाले जिनके साथ हम स्टफ करेंगे वो हैं, ये कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये 4 टीस्पून है, 4 चाय की चम्मच है, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च है, 1 चाय की चम्मच आमचूर ड्राई मैंगो है, 2 चाय की चम्मच ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, 2 चाय की चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा मेथी का दानों का पाउडर है, ये 1 चाय की चम्मच ये हमने लिए हैं सौंफ लिए, 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा हमने ये कलवंची ली है, और ये एक ब्लैक कार्डिमम और 2 क्लोव्स, एक बड़ी इलायची जो उनसे आती है वो उसके सीड्स, और 2 लौंग के दाने हमने उनको मैंने पीस लिए, और ये मैंने लिया है 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा ये सरसों के दाने हैं, और ये है 1/2 चाय की चम्मच अनारदाना पाउडर है, और ये 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा ये काली मिर्च है, 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा ये अदरक का पाउडर है, और 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा ये दालचीनी का पाउडर है, 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा ये काला नमक है, और 1 चाय की चम्मच ये नमक है, नॉर्मल नमक। ये अपनी नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से भिंडी का ये दोनों हिस्से हमने हटा देने हैं, रिमूव करने हैं, काट लेने हैं, इनको दोनों सब काट लेना है, और इस तरह से इसको कट लगाना है, और इसको अंदर से चेक कर लेना है कि ये ख़राब तो नहीं है। ये आप मसालों में चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के या बटर डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं, और फिर इस तरह से इनके अंदर डाल के फिल करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी चूज़ कर सकते हैं, जैसे बैंगन ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं। आप इस तरह से सब्ज़ मिर्च को भी काट के तो इसके अंदर भी फिलिंग करके ये भी कर सकते हैं। अगर आपने मिर्चों के सीड्स निकालने हैं तो निकाल भी सकते हैं। अब हमारी ये फिलिंग हो गई है भिंडियों की, तो इनको हम फ्राई करते हैं, और फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ और हमने क्या करना है। अब इन भिंडियों को हम एक पैन में ऑयल लेके फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने 4 से 5 चम्मच रेप सीड ऑयल डाला मैंने इसमें, आप इसमें कोई भी ऑयल डाल सकते हैं अपनी चॉइस का। इसमें आप इनको फ्राई करेंगे। अब हम इनको इस तरह से रख के फ्राई कर लेते हैं। हल्की आंच पे इनको हम फ्राई कर लेते हैं। इनको हम चेंज करते रहेंगे, इस तरह से हिलाते रहेंगे। अच्छा, चेंज करते रहेंगे।
इस तरह से इनकी सारी साइज चेंज कर सकते हैं। एक ऐसे सारी साइड से फ्राई होते हैं। ये अभी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, इनको अब हम प्लेट में डाल देते हैं। ऐसे तकरीबन मुझे 3 मिनट्स लगे। अब इसी में हम ये दूसरे डाल लेते हैं। ग्रीन चिली हम निकाल देते हैं, ये जल्दी हो जाती हैं। इसे पैन में आप थोड़ा सा हाई डाल के इसको प्याज को ड्रॉप कर लेते हैं इसमें। ये हमने 2 मीडियम साइज के ऑनियन लिए हैं। ये देखिए अब हमारी ऑनियन हल्का सा लाइट कलर में ब्राउन हो गई है। अब हम इसके के लिए थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए हमने किए हैं 2 टमाटोज़ की प्योरी बना ली है। हमने लिया है ये ज़ीरा लिया है हमने, ज़ीरा 1 चाय का चौथा हिस्सा। ये हमने फ्रेश अदरक ले लिए 1/2 चाय की चम्मच, इसके हमने इस तरह से स्लाइस काट लिए। 1 चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी हमने लिया है, और ये 1 सब्ज़ मिर्च जो पहले से बची हुई है, पहले हमने 3 फ्राई कर ली हैं और 1 जो बची है उसको हमने ये काट लिया है, और 1 पिंच हींग का लिया हमने। तो चलिए अब हम पकाते हैं इनको। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अभी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, इसको अब हम गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम अदरक डाल देते हैं, जिंजर, ग्रीन चिली, सब्ज मिर्ची, क्यूमिन सीड, ज़ीरा, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग एस्पिडुदा, यदि इसमें हम प्योरी डाल देते हैं टमाटर की। इसके लिए हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाते हैं, इसलिए कि भिंडियाँ अदरवाइज बहुत ड्राई होंगी।
इसमें आप काफ़ी वैरायटी अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हमने एक चम्मच इस तरह से डाल दी है, ये जो पहले हमने स्पाइसेस बना के रखे हुए थे भिंडियों की फिलिंग के लिए, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए। इसमें हम नमक नहीं डाल रहे इसलिए कि स्पाइसेस में नमक है ऑलरेडी, लेकिन आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा ये मसाला तैयार हो गया, जिसमें आप चाहें तो एक बड़ी चम्मच आप क्रीम भी डाल सकते हैं। अब हम भिंडियों को इस तरह से मसाले के ऊपर रख लेंगे। इसको हम लाइटली हिलाते हैं इस तरह से। हम कोरिएंडर डालते हैं, अभी धनिया, अभी हम इसमें ये जो प्याज किया हुआ था ब्राउन इसको डालते हैं। अब ये हमारी भिंडियाँ भरी हुई भिंडियाँ तैयार हो गई हैं, इसके ऊपर हमने भुना हुआ प्याज भी डाल दिया है, थोड़े से स्पाइसेस डाले हैं, ग्रीन चिली जिस तरह फ्राई करके हमने रख दी हैं। तो इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ कर सकते हैं, इसको एज अ साइड डिश आप सर्व कर सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।